पलटी उद्धव ठाकरे की है, पलटी तब थी जब ये वहां गया था। आज मैं देख रहा था, वह ट्वीट बोल रहा हूं, विनोद शर्मा इसकी चापलूसी कर रहा है कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, उन्हें सजा चारा चोरी में सजा दे दी गई, किसने परेशान किया जा रहा है, लालू चूंकि फाइट कर रहा है। ये चिरकुटों की टोली ये गुमराह करती है देश को कि लालू यादव को जब सजा मिली थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार 2013 में, लालू यादव पर जब चार्ज फ्रेम हुआ तो लालू यादव खुद को जब किंग मेकर बताता था वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी। जब चार्जशीट दाखिल हुई तब लालू यादव जिसको किंग मेकर बना करके जिसको कह रहा था कि देवेगौड़ा, वो देवेगौड़ा की सरकार थी, जोगिंदर सिंह सीबीआई डायरेक्टर थे। उसके बाद भी देखिए आज खलियर खैरातियों का गैंग, पूरा गैंग लालू यादव के पक्ष में, तब समझ जाइए कि इस देश के साथ ये खैरात पर पले हुए कुत्ते किस तरह से पर इस देश को नोच करके खा रहे थे। सर आज दो चीज वीडियो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं मनीष जी कह रहा हूँ कि दर्शक ये समझे कि हम लोग कितने खतरनाक दौर से गुजर के आए हैं और अभी भी उसका अंश बाकी है। कि अभी आपने जिसका नाम लिया विनोद शर्मा, वो नेताओं से ज्यादा खतरनाक है। नेताओं को तो हम जानते हैं, नेताओं को जनता उतना विश्वास नहीं करती कुछ इक्के दिक्के छोड़ के। ये तो उस दिन हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये एक देश के बड़े अखबार का पॉलिटिकल एडिटर है और वो ये कह रहा है कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा, वो अंधा है, अनपढ़ है, बहरा है, गूंगा है, या फिर कहे कि भ्रष्टाचार का दलाल है, उसको भ्रष्टाचार में कमीशन मिला है। एक अखबार का संपादक, राजनीतिक संपादक, वहां से नहीं न जाने कब से उसको भी वही लगा हुआ, वो दलाली करता है। तो वो बता, ये अब मैंने तो देखा नहीं, मनीष जी बता रहे, वो कह रहा है कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। तो एक जो आदमी पिछले 2-3 दशकों से दिल्ली में बैठा, अखबार का संपादक, राजनीतिक संपादक, फलाना संपादक, दिमाका संपादक, और वो जब इस तरह कह रहा, तो आप ये सोचिए कि ये सोशल मीडिया का दौर आने से पहले किस तरह से संगठित तौर से हमको, आपको, इस देश को लूटा जा रहा था कि लुटेरों को ये बेचारा बना के पेश करते हैं। तो अब तो थोड़ी लाज शर्म इनकी आड़े आ जाती है, अन्यथा 2011 उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। जो ये चाहते थे वही देश पढ़ता था, जो ये चाहते थे वही देश सुनता था। तो किस तरह से इस देश के साथ इन्होंने 67 साल तक कैसा विश्वासघात किया है, ये इस तरह के नमूने जो अभी मनीष जी ने बताया, इस तरह के नमूने हैं जो मीडिया के बड़े बड़े मठाधीश थे। देखिए उसने एक दो ट्वीट नहीं किया सर, ये इसने विनोद शर्मा ने, आप विनोद शर्मा को छोड़िए, आपका जो जिसको लोग काला कौवा बोलते हैं, किसी ने नहीं छोड़ा। देखिए ये लिख रहा है लालू यादव, टैग कर रहा है अपने बाप को लालू प्रसाद, ताकि लालू यादव समझे कि हम चमचागिरी कर रहे हैं, यदि सरकार आएगी तो हमें बड़ी जिम्मेदारी दीजिएगा। टैग किया लालू यादव को, लालू यादव की तारीफ सुनते ही उनके विरोधी चारा घोटाला चारा चोर चिल्लाने लगते हैं। पर वे बिहार के अकेले नेता नहीं है, उनको जेल जाना मंजूर है। देखिए जेल जाना उनको मंजूर है, पर बीजेपी की लॉन्ड्री में कपड़े भिजवाना मंजूर नहीं। इस दौर में जब कई सीएम फ्रेश आउट ऑफ लॉन्ड्री में है, उनकी इस हिम्मत का कायल। और ये चमचे देखिए अंग्रेजी दा है, हिंदी में लिख रहे हैं, और इसको खूब लोगों ने जुटियाया है, हमने भी जुटियाया है। मैं वो ट्वीट मुझे बहुत अभी नहीं, ये लगातार कई ट्वीट लोगों के जवाब भी दिया है और लिख रहा है नीतीश कुमार को नालायक कुमार, ये क्या लॉजिक है, महान भ्रष्टाचारी है पर हिम्मत वाले हैं। लोगों ने इसको कमेंट्स किया, कुछ लोगों के इसमें जवाब भी दिए। पूरा खैरातियों का गैंग, सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव के पक्ष में। नहीं मनीष जी, ये बड़ा डायलॉग इस्तेमाल होता है, प्रवक्ता भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो सूट बूट वाले एंकर भी रात सच के बैठ जाते हैं 7 बजे से 11 बजे रात तक, वो भी बताते हैं बीजेपी तो ऐसी लॉन्ड्री के सब साफ हो जाता है, वो प्रवक्ताओं को तो कहिए। अब ये दलाल भी यही इस्तेमाल कर रहा है, तो आज जरा इसका भी जवाब दे दूं मनीष जी। हालांकि उस दिन जब मैंने दोहा सुनाया था रहीम का, वही आज मैं दोबारा सुनाऊंगा कि आज से 500 साल पहले भी लॉन्ड्री हुआ करती थी, और उस लॉन्ड्री को रहीम और कबीर जैसे लोगों ने मान्यता दी थी, स्वीकार किया था। मनीष जी जो दोहा है रहीम का कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और संगत ही गुनाथ है संगत ही गुंजात, और पांच पांच सौ मिश्री एक भाव विकात, तो ये रहीम लिख गए आज से 400-500 साल पहले। तो ये क्या है मनीष जी, आज अगर जो बीजेपी में, हाँ लॉन्ड्री है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की लॉन्ड्री है, ये एक तरफ ये लालू यादव है जो चार पशुओं का चारा चुराने के चक्कर में चार मामलों में सजा जाता, पांचवें छठे मामले में सजा जेल जाने की नौबत, और उसके पूरा परिवार इसी काम में लगा। दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी है जिसके पास अपना घर नहीं है इस देश में, गुजरात जैसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना घर नहीं है, मकान उन्होंने नहीं खरीदा अभी कहीं नहीं है उनके पास,
अपनी गाड़ी नहीं है, सरकारी गाड़ी जो प्रधानमंत्री को मिलती है उनके पास है। तो अगर और आज तक ये सारे खैराती मिलके पूरे नंगे होके नाचे, आज तक 10 साल के दौरान एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और केवल नरेंद्र मोदी नहीं, मनीष जी, पूरी सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर आरोप नहीं है। जरा बताएं कि एक किसी छुटबैया मंत्री, जो राज्य मंत्री का जिनके पास दर्जा हो, उन पर भी कम से कम ये आरोप नहीं है कि ये उन्होंने पैसा खा लिया, कमीशन खा लिया। तो नरेंद्र मोदी तो लॉन्ड्री है ही है, वहां जाके आदमी धुल जाएगा, चाहे जितना भ्रष्टाचारी हो वहां पे वो ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक दो नाम बता दूंगा कि वो आए और बड़ा हल्ला मचा, तब भी लटाए घूमे डंडा डंडा लेके, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो धुल ही गए। वही बीजेपी लॉन्ड्री है, और वो लॉन्ड्री अपने आप में प्रमाणित है, और यही नहीं पूरी दुनिया में उस लॉन्ड्री का सम्मान है। तो हाँ, बीजेपी, ये हमारे यहाँ प्रवक्ता पता नहीं क्यों कहने में शर्माते हैं, जवाब नहीं दे पाते ये। अरे प्रवक्ता, ये पार्टी प्रवक्ता जो लालू वालू के प्रवक्ता है, तो उनको तो मैं बेशर्मी का मतलब अव्वल दर्जे का बेशर्म मानता हूँ कि हिंदुस्तान में उनके कोटि के जल्दी बेशर्म नहीं मिलेगा। खासकर लालू यादव, केजरीवाल, इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं, जो आदमी टेलीविजन पर बैठ के लालू यादव की ईमानदारी के कसीदे पढ़े, तो उसके बारे में क्या कहूँ, बेशर्मी भी लज्जा शर्म से घट जाती होगी। तो वो तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेलीविजन पर बैठे एंकर, वो बीजेपी ऐसी कौन सी लॉन्ड्री। अरे बीजेपी लॉन्ड्री है, मैं तो इस बात को स्वीकारता हूँ, इसको पूरी दम से कहना चाहिए। ये शर्माते तो एक 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 वहां कोई बताए, बहुत से लोग आए बनी जी यहाँ पे, आखिर ये स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के भागा क्यों था उत्तर प्रदेश की सरकार को, जरा ये पूछिए इन लोगों से। वजह है कि वो जो लॉन्ड्री में जो धुलाई हुई, तो उसको रास नहीं आई, वो भाग खड़ा हुआ यहाँ से। अन्यथा जो बड़े बड़े आए, एक और हमारे यहाँ बड़े चर्चित नेता है नरेश अग्रवाल, बड़ा हल्ला मचा इन्होंने, कह रहे ऐसा कहाँ आपने चर्चा सुनी उनकी, कहाँ चर्चा सुनी। तो वो ये लॉन्ड्री सब साफ धुलाई कर देती है। तो ये जो बोल रहे हैं, तो इनको इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हाँ लॉन्ड्री तो है, और जरा बताओ कहाँ दाग है, वहां जो आता है वो धुल जाता बस है। यही नहीं, ये लोग जो आज तक बैकफुट पे आ जाते हैं ना, मतलब बैकफुट पे आकर के सफाई देने लगते हैं, थोक के बोलना पड़ेगा हाँ लॉन्ड्री है, लेकिन इसके लिए से थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता, इन प्रवक्ताओं को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ आप ये एक नैरेटिव जो गढ़ते हैं उसमें क्यों फंस जाते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग ये कि लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि मैं लगातार हर शो में इस बात और का, बोले जी, और बोले जी, दूसरा भी जो मैं दूसरा दोहा कह रहा था, तो उसका भी बता दूं कि इसी में एक और नरेंद्र मोदी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो लटाए थे उनके लिए, उनको विशेष रूप से समर्पित कर रहा हूँ कि अरे इसको ले लिया, उसको ले लिया। तो वो है ना कि जय रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ भुजंग पे सांप लपटे रहते हैं जहरीले, लेकिन चंदन के क्या क्या सम्मान है, चंदन की क्या स्थिति है, सब जानते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं इस पे फर्क पड़ता है, और आप मोदी कैसे हैं ये पूरा देश अब जान चुका है। और रिक्शा चलाना वाले देश से लेके और ये देश चलाने वाले अडानी अंबानी और टाटा तक, मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बात कर रहा हूँ, वो सब जान चुके हैं। तो अब इन खैरातियों के लठैतों के हल्ला मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।